न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों भाई मनिक जगलान की राम राम। फिलहाल टिकरी बॉर्डर ते उल्टे घर का नहीं जावा थे, रास्ते में एक किसानों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। बाली आनंदपुर गांव और जिला रोहतक के अंदर कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करांगे कितने दिन उरे हो गए कितने दिन नहीं। कैमरामैन साथी कहूँगा भाई थोड़ा आगे आ जाए। तब राम राम। राम राम। और तब ठीक सो? हाँ ठीक है। कितने एक दिन हो गए उरे बैठे ने? हमने यहाँ बैठे ने हो गए 23 जनवरी को बैठे थे। 23 जनवरी को बैठे थे यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो उरे बैठने का क्या मकसद है? आज ये मकसद है आने जाने वाले के लिए सेवा और अच्छा। खाना भंडारा अच्छा। चला रखा है अच्छा। सब चीज़ों की सुविधा है, आने जाने वाले खाते पीते हैं जाते हैं। या जो आपने सुविधा कर रखी है कोई पर्सनल है एक आदमी की है, पूरा गांव का से होगी इसमें? पूरे गांव का से हो। अच्छा, पूरा गांव है, छोटा हा गांव है। कितने की उम्र होगी तब? मेरी 80 साल के करीब होगी। अच्छा, आज तक का इसी 80 साल की उम्र में ईसा इतना लंबा आंदोलन को देखे पहले? मैंने तो नहीं देखा है। तो जो यह सरकार है इतना मतलब एक अपनी मूछ का सवाल बनाए बैठी है, झुकने को तैयार नहीं, उसके बारे में क्या विचार आपके? ये तो जी सरकार जाने, लेकिन इससे मतलब इसी सरकार तो कोई आए नहीं, जो मतलब कोई भी बूझ दूझ नहीं करे। अच्छा, और इन बूझने चाहिए, किसान हैं कमा के खुआते हैं तो इन बूझना चाहिए, ये नहीं बूझते इनको कुछ भी। मना नहीं सुनी, आप पुलिस से रिटायरमेंट हो? हाँ, पुलिस से रिटायरमेंट। तो एक बात कौन लग दी आपने, जिस तरह इब किसाना का रोड़ा सरकार का गला है और पुलिस उसका बीच में पिछड़ लग रही है? देखो जी, पुलिस का तो ऐसा है कि उनकी तो नौकरी है, पैसा तो है ही, वो दुखी हुए भी गणे हैं। पुलिस वाले ही बहुत दुखी हैं, वो चाहते भी नहीं पर मजबूरी है, मजबूरी से कर रहे हो तो पेट पड़ना होना, तो ये चीज़ है। तो जी नहीं दवा बनाया, जिस तरह इतने दिन तक यो आंदोलन चलन लग रहा है, आप लगातार उरे सेवा देने लग रहे हो, गांव के कितने के लोग मतलब इसमें जागरूक है, कितना से उगान लग रहे हैं? पूरा गांव है। पूरा गांव है। इस तरह कल तूफान आया था, बारिश भी आली, आप मतलब ये तंबू डाल के बैठे हो यहाँ पे, मतलब कितनी की दिक्कत आवा? दिक्कत तो पूरी आ, ये सब के मैं सामान ही मारा चला गया सब डिगे। अच्छा, सुबह इकट्ठा कराया हमने। तो भाई और भी मेरे साथ बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे। तब राम राम। राम राम राम। क्या लागत हो कि मैं समाधान होगा भाई? और इनकी खुशी है, हम तो बैठे थे सारे समाधान खाते रहे। कितने एक दिन बैठे रहोगे भाई? इतने ये किसान चल रहे, इतने बैठे रहेंगे, फैसला होगा इतना। लगभग अपना 6 महीने पूरे कर लिए हैं? 5 महीने आड़े भंडारा आपने तो आड़े भी बैठे ना, 5 महीने हो गए, किसानों ने तो 6 महीने क्रॉस कर लिए। किसानों ने 6 महीने हो लिए रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई इसके ऊपर सरकार का कोई एक्शन नहीं है ना? 22 जनवरी पर से बात नहीं करी है। हाँ, से कोर्ट मेरा ही नहीं आया भाई, किसान उठान मिल लाएंगे। अच्छा, बैठे हैं भाई। तो मेरे साथ भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? जय भगवान नंबर। कहाँ से हो? बाली गांव। तो भाई, तो मेरा आप तो एक सवाल है भाई साहब, ईब जिस तरह पहले आंदोलन अपना सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर में था, लेकिन कुछ एक दिन तो आपने देखा हुआ हिसार कांड होया, टोहाना कांड होया, यानी हरियाणा के अंदर ले आए थे एक बार इसको आंदोलन को, अब के विचार है वो बाहर आ गया उल्टा बॉर्डर पर, या फिर भी कोई घटना हो सकती? बिल्कुल बॉर्डर पर आ गया भाई साहब, ये छोटी मोटी घटना तो ही जाया करें, इतना बड़ा आंदोलन में छोटे मोटे तो चली जाया करें, कोई बात को नहीं। छोटी मोटी घटना तो क्यों थी भाई साहब? क्योंकि देखो हिसार के अंदर लाठीचार्ज हुआ, बहुत बड़ा कांड था वो, छोटी मोटी घटना पे उसने नहीं, कांड बहुत बड़ा था। हाँ। पर आंदोलन में तो ये लाठीचार्ज, ये तो मुकदमे तो लग गया करें, तो होया करें। हाँ, और हो गया, सुलझ गया। तो टिकरी बॉर्डर है, सिंध बॉर्डर भाई जो बिके में है। तो टोहाना कांड जो हुआ था, देवेंद्र बबली विधायक थे उड़ते हैं, उनने गाली दी, उसके बाद में जो मतलब एक पंचायती फैसला लिया गया था, आपने बेरा हुआ इसके बारे में, उसके बाद में कुछ साथियों ने मतलब बगावत करी उस फैसले की, उसके बारे में आपके क्या विचार है भाई साहब? ये हो जाया करे है, इतने बड़े आंदोलन में छोटे मोटे हो जाया करे हैं, कोई बात को नहीं है। सुक्त मुसर ने और दोनों टिकट साहब ने भी चलूनी साहब ने बैठ कर सुलझा लिया, कोई बात को नहीं। फिलहाल सिर्फ बॉर्डर पर। अच्छा, बिल्कुल। और आंदोलन पर फिलहाल आप जिला अध्यक्ष हो रोहतक के?
ना भाई। और के पद आप है? बस यो आज यो में महासचिव का करें। महासचिव बनाए गए जो गुणाम सिंह चढ़ूनी संगठन उसके। हाँ तो गुणाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ कुछ साथी गए थे, गुणाम सिंह चढ़ूनी ने उनको ये बोला था कि भाई वो खुद जाने अपना, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दो फाड़ होती हुई नजर आ रही थी किसानों में। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, वो जो आपस की मनमोटाव थे वो सुलझा ली गए हैं या किस प्रकार? नहीं नहीं हो जाए अगर भाई, इसमें तो कोई बात को नहीं, छोटा मोटा हो जाए अगर, कोई मनमोटाव नहीं, किस का नहीं, आंदोलन में किस का कोई मनमोटाव नहीं, सब अपना अपना काम करने लग रहे हैं और नेक नीति तक काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूरे बैठे हो, आपने बताया ताऊजिया ने बताया कि आने वाले जितने भी किसान साथी उन खेतर खाना की सुविधा करा, हाँ गाँव का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है भाई? भाई पूरा गांव का सहयोग है, पूरा गांव का 36 बिरादरी का, आज हमने पुणे 5 बिने हो गए बैठे हैं। अच्छा हाँ, कब तक बैठे रहोगे भाई? भाई जब तक बैठे रहेंगे, जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, MSP की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, जब तक बैठे रहेंगे। आपने कि में लग गया कि मैं न्यू बदला हुआ सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? होगा भाई, लग गया है। कब तक हो उसका भाई? कब तक तो जब होगा, जब इनका मन में कि मैंने कि मैं मन साझो रह रही है, वह दूर हो जाएगी, रोन लग रही है, नज़दीक है। अखबार आकेश्टी के तड़ी बात से भाई 24 में हो गए ना भाई? ना 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 ना, ये तो कहने की बात है ना। अच्छा बिल्कुल, 35 करोड़ रुपया का हर दिन का किसान का खर्चा है एक सर्वे के अनुसार, और कितने दुखी है, कितना काम छोड़ रखा है, और कितने बूढ़े हमारी लेडीज हैं, बहन हैं, माता बहने हैं, बालक हैं, और उड़े इतने मच्छरा पड़े हैं, पर कोई कल नहीं भाई। आप पूरा बैठे हो, आपका अंदाजा दिन में मतलब कितने किसान आया जाई रखा है रोज की? हर तीसरी गाड़ी यो NH9 है। हाँ। मतलब फाजिलका से सीधा दिल्ली। हाँ। हर तीसरी गाड़ी झंडे वाली है किसान आई गाड़ी, हर तीसरी गाड़ी आप बैठ कर सर्वे कर सको, बिल्कुल। तो सही बात है आपकी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए है, आप पूरे बैठे हो, आपका डेरे का रोज का कितना खर्चा है भाई साहब? हमारा तो आड़ा आ जाए, न्यू बिराना 5,000 आ जा, न्यू बिराना 300 आ जा, लेकिन हाईवे का काम है, और जिस दिन कोई काल हो जाए उस दिन तो अनुमाना नहीं आड़ा, कोई सोदी नहीं, रोड जाम हो जाएगा। तो मतलब अगर एकदम तो आदमी की संख्या बढ़ जाए तो उसकी किस तरह व्यवस्थित व्यवस्था रखो भाई साहब? यो सरदारा हमने यो सीखा है, यो भंडारा जो परमात्मा का ये रूप हो, गुरु नानक का सच्चाई है, जो 20 रुपया का चल रहा ना यो ठीक का चल रहा है भाई। हमारे गांव में हमने सिर्फ गांव का चंदा था, बाहर का किस्सा का नहीं लेते हम, एक छोटा सा योग कराया है किसी ने, योग गद्दी खेड़ी गांव में थोड़ा सा कुछ सूखा सामान दे के, नहीं तो बाहर का हम किसा का नहीं लेते, गाँव का चंदा था। पूरा एड्रेस बताइए आपने इस जगह का? इस जगह का भाई गाँव बाली आनंदपुर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा, शुगर मिल तो 1 किलोमीटर आ गया NH9 पर। हमारा चैनल का माध्यम तक कोई और संदेश देना चाहते हो? क्योंकि देखो बहुत से किसान खेती बाड़ी में भी लग रहे हैं भाई साहब, तो मतलब बॉर्डर के ऊपर संख्या थोड़ी कम आज मैंने देखी, थोड़ी कम है पहले के अंदाजे, वैसे कम नहीं कहूँगा मैं, पहले से कम है भाई साहब। एक बात बताऊँ, देख खेती का काम भी करना है। हाँ। किसान का दो ही टेम आप काम, के बोन के टेम पर, के काटने के टेम पर, बाकी तो पानी पा देना होगा, संभालन का और चली जाया करें, बाकी कोई संख्या कम नहीं है। ट्रैक्टर में डीजल गलवा के दिल्ली का नेमू कर रखा है, एक काल के ऊपर भर देंगे। अच्छा बिल्कुल, एक काल के ऊपर भर देंगे भाई साहब। तो ये देखिए भाई, रास्ते में भी आपते ही मैंने बोला था कि भाई जहाँ तक किसानों के डेरों की बात हो तो भाई हर जगह लंगर लगाने का काम कर रखा है, हर प्रकार की व्यवस्था करने का काम कर रखा है, और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि भाई एक काल के ऊपर दिल्ली को भर देंगे। तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान, जय किसान।